हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद। सबसे पहले तो आप बिंदास हो जाइए और बिल्कुल ही सीखने के मूड में आ जाइए, क्योंकि फिजिक्स को सीखा जाता है न कि इसको याद किया जाता है। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक भी ऐसा टॉपिक नहीं बताया जाएगा जो आपको रटना पड़े। याद रखिए, सच्ची मोहब्बत हो या सच्ची पढ़ाई हो, ठीक है, उसे हम सीखते हैं, उससे हम प्यार करते हैं, उससे हमारा अट्रैक्शन होता है, ना कि हम क्या करते हैं कि उसको जो है कि आपका रटते हैं। उसको क्या करना है, आपको इमेजिनेशन करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। जब आप इस तरह से सीखेंगे तो आप लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं। और भैया, आप आगे चल के टीचर बनने वाले हो तो बधाई है आपको, पहले से एडवांस कांग्रेचुलेशन। तो आपको बच्चे को कैसे पढ़ाना है, सबसे पहले आप ये सीखिए, ठीक है। और जब आप ये सीख लेंगे तो आपका एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा। आप जिस दिन पढ़ाने के लिए एलिजिबल वास्तव में हो जाएंगे एक टीचर की बात, तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, 100% मैं उसकी गारंटी देता हूं, ठीक है। तो चलिए, और हाँ, कमेंट आता है सर ये वीडियो नहीं मिल रही है, ये वीडियो नहीं मिल रही है। भैया, प्लेलिस्ट में जाइए आप। टीजीटी फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट है, टीजीटी आपका जो है कि केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट है। आप वहां पर देखेंगे तो आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। आप हेडिंग से और थंबनेल से आपको पहले ही पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या स्टडी करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, किससे अपने को प्यार होना है। ये सारी चीजें आज हम, जिसके बारे में जानना है, आज हम जान के रहेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप बहुत ही अच्छे से इसको क्या करेंगे, जानेंगे। चलिए, हेडिंग के ऊपर थोड़ा सा नजर रखते हैं। हेडिंग क्या है हमारा, दो वेक्टरों का अदिश गुणन, दो वेक्टरों का अदिश गुणन। अब देखिए, आर नहीं लगाया यहां पर, याद रखिए कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मतलब दो वेक्टर हैं, मतलब दो सदिश हैं, वेक्टर बोले तो दो सदिश है जिनका अपने को क्या, अदिश गुणन को ज्ञात करना है, ठीक है। आपको समझना है कि दो, अब इसको किसी को बताना मत, कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये, पर्सनल आपसे शेयरिंग कर रहे हैं बात, जानू आपसे शेयरिंग बात कर रहे हैं, समझना, किसी को बताना नहीं है इसको ना। हम बेटा डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब बोलेंगे कई लोग हेडिंग, अरे गुरुजी ने तो इसको डॉट प्रोडक्ट बोला ही नहीं। अरे पता है तुमको, इसको ना स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, ब्रेन में आया इमेजिन, अच्छा स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। हाँ, तो अब ये समझ गए कि, याद रखिए, स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या दो वेक्टरों का अदिश गुणन। स्केलर को इंग्लिश में हम अदिश बोलते हैं, प्रोडक्ट को हम गुणन बोलते हैं, टू वेक्टर का मतलब दो सदिशों का। हेडिंग, कई बच्चे तो हेडिंग ही नहीं समझ पाते, बस पढ़ाई में करना शुरू, दे पढ़ाई पढ़ाई, अब ये कर लेना। लेकिन आपको बता दूं कि हेडिंग में सब कुछ छुपा होता है, हेडिंग में सब कुछ क्या होता है, छुपा होता है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट को आप सीखते हुए चलिए कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका डॉट प्रोडक्ट भी क्या कहते हैं, बोलते हैं। अब चलिए सीखते हैं, ठीक है। दो वेक्टर, दो वेक्टर कौन ले ले, ए वेक्टर ए, ये है अंजलि, ये अंजलि, अंजलि। अब वेक्टर बी को क्या ले लेते हैं हम, ये है बबीता, बबीता या बबलू, जो भी ले लो, समझो फिजिक्स को समझने का प्रयास किया करो, ठीक है। तो मतलब, कहने का मतलब, अंजलि का वेक्टर और ये बबीता का वेक्टर, समझिए। एक ऊपर एरो लगा दिया तो इसको क्या बोलेंगे, अंजलि, अंजलि का वेक्टर, और ये क्या बोलेंगे, बबीता का वेक्टर। तो समझे कि नहीं समझे, तो इमेजिनेशन करो, इमेजिनेशन। जब आप अच्छा, एक ऊपर एरो लगा दिया ऐसे, एक ऊपर एरो लगा दिया, इसको बोलते हैं वेक्टर। अब बी के ऊपर एरो लगा दो, सी के ऊपर एरो लगा दो, जिसके मन में चाहे उसके ऊपर एरो लगा दे, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका वेक्टर, उसका वेक्टर। देखो, एक ऊपर वेक्टर लगा, एक मतलब मैं अंजलि समझ रहा हूं, अंजलि का वेक्टर, ये बी, बी क्या है, बबीता है, बबीता का क्या है, वेक्टर। तो ये बेसिक टर्म्स को समझिए आप, बबीता
का वेक्टर। अब एक ऊपर वेक्टर लगाई तो वेक्टर, लेकिन इसको जेलवाम बंद कर दो, इसको जेलवाम जब आप बंद कर दोगे तो इसको क्या बोलेंगे, परिमाण, अंजलि का परिमाण। ए क्या, अंजलि का परिमाण, या सिंपल भाषा में क्या बोलते हो तो ए, ए बोलो चाहे ऐसे लिखो, उसका मतलब क्या होता है, परिमाण होता है भैया, क्या होता है, परिमाण। और उसी तरह से बबीता को कहें पीछे रखोगे, बबीता को जेलवाम बंद कर दे, ई का बोलेंगे हम परिमाण। देखिए अभी हम शुरुआत नहीं किए हैं, बेसिक कंसेप्ट को आपको बताते हुए चल रहे हैं। चलिए तो नाम तो सुन ही लिया होगा कि इसको बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट भी। तो देखिए देखिए, अंजलि का वेक्टर, बबीता का वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट बोल, डॉट ए डॉट बी। अब क्या होता है, इसके परिमाण, ए सिर्फ क्या परिमाण, बी क्या परिमाण, इनके बीच में क्या कॉस थीटा, ठीक है। अब ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा आप बोलते हो, ये कैसे बना, क्यों कहते हैं, सब समझ में आएगा। फिर से बोलू, अच्छा बोल दू ना, ये कैसे बना, क्यों बना, ये सब जान जाओगे तो क्वेश्चन चुटकियों में लगा दो, ठीक है। अगर आप जो है इसको नहीं जानोगे कैसे बना, क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, तो नहीं समझोगे, बस इसको रट ले, तो सभी बच्चे क्या करते, इसको रट लेते, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, बस समझ रहे हैं। लेकिन क्यों बना, क्या है बना, इसका क्या यूज है, इसके कंसेप्ट को डीपली समझ लोगे, टाइम लगता है बेटा, टाइम लगता है मेरे दोस्त, समय लगता है, ठीक है। तो अब यहां देखिए, a डॉट b बराबर क्या होता है, a b cos थीटा, इसका मतलब सिंपल जो भाषा किताबों में लिखा रहता है, क्या बोलोगे, a और b, अंजलि और बबीता दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर, यहीं से समझ जाओगे, दो वेक्टरों का अदिश डॉट, कोई अदिश बोलते हैं, अदिश गुणनफल उनके परिमाणों क्या, पर ए और बी क्या परिमाण है ना, हम बताए थे ना, कट ले लेंगे अगर तुम नहीं बताओ, पहले बता, ए और बी के ऊपर एरो नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, परिमाण, या जेल में बंद हो तब भी उसको क्या बोलते हैं, परिमाण, जेल मतलब मॉड, किसमें, मॉड। तो अब समझिए, दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट, उनके परिमाणों ए और बी के परिमाणों तथा कॉस थीटा कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, समझ गया। तो बेसिक कंसेप्ट है, याद रखिए। अभी क्यों होता है समझिए, थोड़ा सा वेट करिए, रुकिए। तो क्या भाई, दो वेक्टरों का अदिश गुणन उनके परिमाणों तथा कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है, याद रखिए। स्पेशली आपको हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वरना तो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, ये बेसिक कंसेप्ट समझिए। तो कहीं भी इंग्लिश टर्म्स यूज करूंगा तो उतना आपको आता है मेरे दोस्त, हम समझते हैं। दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों, ये परिमाण है, तथा कॉस थीटा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये होता तो है, क्यों होता है, अब उदाहरण के द्वारा हम इसे समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब देखिए अब समझो सबसे पहले कि ये स्क्रीनशॉट ले लिया भैया, देख लीजिए यार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा, ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम कंसेप्ट पे चलते हैं। अब देखिए उधर उदाहरण, ठीक है, हम आगे टर्म्स में यूज करते हैं। अब देखिए कि इसके उदाहरण क्या होगा, एग्जाम्पल उदाहरण, सबसे पहले उदाहरण को जानने के पहले ये समझिए, ये देखिए, ये है एक पहाड़, हम बोल रहे हैं ना पिछले वीडियो में बताए हैं, पहाड़ है, बहुत ही बड़ा पहाड़ है, क्या करें साहेब, ये पहाड़ है, ठीक है। अब यहां पे देखो कि जैसे कि ये पहाड़ है, पहाड़ ये धरती है, ये मम्मा है, मम्मा नमस्ते, ठीक है, अब देखो ऐसे मिला दिया, ठीक है, यहां पर आपके गर्लफ्रेंड की इज्जत लूटी जा रही है भाई, ये समझाने के लिए है यार,
गर्लफ्रेंड की इज्जत कोई छेड़छाड़ कर रहा है, बहुत गलत बात है ये, ठीक है। और तुम यहां हो, यहां देखोगे वो यहां पर है वो तुम्हारी हीरोइन, तुम्हारी मासूका इधर है, तुम्हारी मासूका इधर है, उसको चार लोग छेड़ रहे हैं, तुम यहां देख रहे हो थीटा, ओहो थीटा इधर देख रहे हो, ये थीटा है। क्या ये थीटा? तो अगर तुम ये देख रहे हो, अगर ये आर है, ये क्या है आर है, इतनी दूरी ये थीटा, तो ये क्या कहलाएगा आधार, ये क्या कहलाएगा लंब, बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि बाद में मैं समझा नहीं पाऊंगा ये सब कंसेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन को हम जब चलेंगे उसमें चलेंगे तो ये टर्म्स यूज नहीं होगा, वहां हवाई फायर चलता है, ठीक है। अब यहां देखो समझा जा तक आपको चीजें आती हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखो थीटा है, ते आधार है, नाम रख दूं ए बी सी, एनीबडी कैन डांस ए बी सी, ये आधार ये। अब आपको मैंने बोला कि अगर लंब चाहिए, अगर क्या चाहिए आपको, अगर आपको लंब चाहिए तो क्या करोगे, ये आर कर्ण है, मैंने बोला था अगर लंब चाहिए तो इसको क्या बोलोगे, आर इस कर्ण से क्या करोगे, आर साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आधार चाहिए तो क्या करोगे बोलो, आर कॉस थीटा से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट आप समझिए, अगर ये एफ था, ये एफ होता तो इसको क्या करते, एफ साइन थीटा, इसको क्या करते आप एफ कॉस थीटा, एफ कॉस क्या थीटा। अब समझिए बेसिक कंसेप्ट, ये एफ है तो लंब क्या कहलाएगा एफ साइन थीटा, और आधार क्या कहलाएगा एफ कॉस थीटा, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया होगा, ठीक है। तो वेक्टर के पिछली वीडियो में हमने आपको बताया, इसीलिए बताया हुआ मित्र, जिससे कि आप कंसेप्ट को क्लियर, कैसे हुआ होगा, मैंने बताया ना साइन थीटा बराबर क्या होता बोलो, साइन थीटा खंभा पियो, ये देखो ए बी, ए बी खंभा मतलब लंब, बटे आधार, आधार क्या होगा बोलो ए सी, ये क्या हुआ एसी, तो ए बी बराबर क्या हुआ होगा जरा बताना, तो ए बी बराबर, ये ए बी है ना, ए बी बराबर क्या होगा, ये इधर चलाएगा, ये इधर चलाएगा, तो क्या आएगा बोलो ए सी साइन थीटा, तो ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, ए बी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू क्या एफ है, तो क्या आएगा एफ साइन थीटा, इसीलिए मैंने एफ साइन थीटा कर दिया। उसी तरह कॉस वाला लगा दोगे तो ये निकल आएगा, ठीक है, आधार निकल आएगा, आधार याद रख, आधार को कॉस से, लंब को साइन से, आधार को कॉस से, लंब को साइन से, इसलिए आप इस चीजों को क्या करेंगे समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते, अब हम एग्जांपल में चलते हैं, ठीक है। अब समझो, समझने के लिए अब यहां देखिए, ये देखिए जैसे माना कि ये बुक है, ठीक है, ये देखिए ये बुक है, ये बुक है, बुक को तुम्हारी मम्मा ने बोला या जानू ने बोला, तुम्हारी उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई, 20 22 साल 24 साल तो ही हो गई तुम लोग, टीजीटी पीजीटी वाले हो, जब पीजीटी वाले हो टीजीटी वाले हो तो भाई 20 22 24 साल तो गई होगा। अब देखो जब तुम्हारी जानू, तुम्हारी सोना, तुम्हारी मोना ने बोला कि देखो जानू इसको तुम ना इस किताब को यहां रख दो, इस किताब को, ये जो किताब है भैया, ये किताब किताब, इस किताब को यहां रख दो ना, ऐसे बोला होगा, तो तुमने क्या किया होगा, किताब को उठाया होगा, किताब को क्या किया, उठाया होगा, बल लगाया होगा, किताब बहुत वजन है, बल लगाया है, क्या लगाया आपने, बल लगाओ, फोर्स लगाया, और क्या तय किया, विस्थापन, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गए, तो इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो अब यहां पर देखिए इसी चीज को मैं आपको यहां डायग्रामेटिकली बताऊंगा, इसी चीज को, कार्य क्या हुआ, आपकी जानू ने क्या कार्य दिया था, इस किताबवा को यहां से उठा करके यहां रखना था। अभी मैं इसी चीज को अप्लाई कराऊंगा आपसे, आप कहोगे रे सर कैसे आपने बहुत बढ़िया अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब सीखो, जब आप इसको सीखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं आपको आता है। तो अब देखिए यहां पर, तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य, उदाहरण कार्य मतलब वर्क, वर्क इज इक्वल टू द फोर्स मतलब बल, फोर्स इंटू क्या, फोर्स इंटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इंटू क्या हमारा बोलो विस्थापन, विस्थापन आप इसे गुणा कर देते हो, ठीक, बेसिक कंसेप्ट को समझिए। अब
कार बराबर बल गुणे विस्थापन करते हो। अब वही देखिए, यही टर्म्स मैं यहां अभी यूज करूंगा, इसी डायग्राम को बनाऊंगा जो आप लोगों को किताबों में बचपन सिखाया जाता है। ये चीज आपको बचपन से सिखाया तो जाता है, लेकिन आप इसको अप्लाई नहीं करते। जब अप्लाई नहीं करोगे तो कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा? इसके लिए समय देना पड़ता है ना। सच्ची मोहब्बत वही है भैया जिसको आप समय दो, समय आप नहीं दोगे तो काहे की सच्ची मोहब्बत? ठीक है, तो कार्य बराबर वर्क बराबर क्या? बल फोर्स गुणे विस्थापन, विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट। अब देखो तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि W इज इक्वल टू द एफ डॉट एस, W इज इक्वल टू द एफ डॉट क्या एस। W क्या है? कार्य है। बबलू मत समझिएगा, ये W है। W बराबर क्या होगा? एफ डॉट एस। एफ डॉट एस का मतलब क्या हुआ? एफ डॉट एस का मतलब क्या होगा? देखिए यहां पर कार्य बराबर, अब समझो इधर, ये वही प्लेट है, यहां समझिए, देखिए ये बेसिक कंसेप्ट समझिए, देखिए ऐसे, ये वही प्लेट है, ये देखिए प्लेट। अब यही प्लेट यहां पर डायग्रामेटिकली बना रहा हूं, अब देखो यहां, तो जैसे आप यहां पर ये डायग्रामेटिकली बनाएंगे इसको, देखिए ये ठीक है। अब ये दूरी है, विस्थापन है एस, एस क्या है देखो यहां पर, विस्थापन है एस, मतलब कि यहां से यहां तक जा रहे हैं। देखो ये, देखो ये नन्ना मुन्ना, अरे यार मजा नहीं आता, किटू किटू, ये एस है, क्या है ये एस। अब जब इस पे बल लगेगा, इस बुक पर या इस गुटके पर क्या लगेगा? बल लगेगा, तो ये दूरी तय करेगा, पॉइंट ए से पॉइंट कहां जा रहे हैं? बी की तरफ जा रहे हैं। दूरा ये इस किताब का डायरेक्शन कितना है? देखो किताब का जो डायरेक्शन है, देखो ये, देखो इस पर क्या लगेगा? बल लगेगा ना। अब देखो इसको बल लगाएंगे, देखो बल लगाएंगे, जो 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 जो। अब देखो इसका मतलब ये, देखो अब जो बल का एंगल, देखो इधर, देखो देखिए ये एफ है, क्या ये एफ है, तो ये एंगल देखिए, ये एंगल, ये एंगल कितना बना? देखो ये एंगल थीटा बना। तो अब देखिए इसके, अब ये थीटा है तो ये क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। अब ऐसे करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। किताबों में नहीं मेंशन होता, याद रखिए, ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या? कर्ण है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, नोट करिए, मैंने क्या बताया था? ये कर्ण है, तो आधार निकालने के लिए क्या करोगे? ये एफ है, तो इसको क्या करोगे जरा बताना? तो इसकी डायरेक्शन देखिए क्या होगा, एफ कॉस क्या कहलाएगा? थीटा। एफ कॉस क्या कहलाएगा? थीटा। ये देखिए एफ कॉस थीटा, तो ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस तो क्या है? देखिए, ये देखिए पूरा डिस्टेंस क्या है? एस है। तो ये अगर परिणामी एफ है, ये आपका विकर्ण कर्ण, ये कर्ण क्या? एफ है, तो ये आधार है ना, और ये क्या कहलाएगा? यहां देखो ये क्या कहलाएगा? लंब। ये क्या कहलाएगा? आधार। अभी बताया था ना, ये देखो अगर थीटा है तो ये क्या कहलाएगा? आधार। ये क्या कहलाएगा? लंब। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या कहलाएगा? आधार। यहां ये करोगे तो क्या कहलाएगा? लंब। तो ये बेसिक टर्म्स को समझो, तो ये कर्ण है, ये कर्ण है, तो आधार चाहिए के लिए क्या करोगे? एफ कॉस क्या कर दोगे? थीटा कर दोगे। क्या कर दोगे? एफ कॉस थीटा। इसका मतलब जो आगे की डायरेक्शन होगी ये क्या कहलाएगा? एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला देखिए, अभी प्रोडक्ट क्या था, फंडे में क्या था, देखिए कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। उसी टाइप में अब देखिए एफ डॉट एस बराबर किसको होगा? बोलो, डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस बराबर क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा। तो याद रखिए एफ, एफ क्या? परिमाण। एस क्या है? परिमाण। ये क्या? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये देखिए बल की दिशा कौन सी है? ये है। तो ये क्या? एफ कॉस थीटा है, और यही दिशा किसकी है? विस्थापन की है। देखो दोनों की दिशा क्या सेम है, ये कॉस थीटा है और ये क्या है? एस है। ये एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब इधर दोनों की दिशा देखो, देखो दोनों की दिशा। एफ कॉस थीटा कैसे है बताया था ना, ये क्या है? कर्ण है। ये क्या है? कर्ण। ये क्या है? आधार है। क्या ये? आधार। तो अगर आधार चाहिए तो कर्ण को किससे मल्टीप्लाई करोगे? कॉस से। एफ कॉस क्या कहलाएगा? थीटा। अभी बताया ना कुछ देर पहले, ठीक है,
तो इस चीज को समझो, इसलिए हमने किया W बराबर F डॉट S बराबर क्या FS cos थीटा। अब देखिए बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए यही जरूरी होता, अब ये चीज नहीं समझोगे बस आप रट लोगे A डॉट B इज इक्वल टू किसके AB cos थीटा और खुश हो जाओगे। ठीक है, लॉजिक को समझो मित्र, लॉजिक। ठीक है, जब आप लॉजिक को समझोगे तो अब यहां पर ये हो गया। अब आगे हम जो चलते हैं इसके कंसेप्ट बात करते हैं। देख रहे हो आप दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल क्या होता है, अदिश होता है। तो कार्य क्या हुई, कार्य एक क्या कहलाई बोलो, अदिश राशि। कार्य एक क्या है देखिए, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्या स्केलर क्वांटिटी। अब बेसिक फंडे को समझिए मित्र, बेसिक फंडे को क्या करिए समझिए। अब कार्य क्या है, कार्य डब्ल्यू क्या है, एक अदिश राशि क्यों। देखिए देखो दो वेक्टर है ना, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश राशि होता है। तो इसका मतलब क्या हो, देखो दो वेक्टरों कंसेप्ट, अब देखो कंसेप्ट लिख लेना, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट है ना, स्केल है, मतलब अदिश गुणन, दो वेक्टरों का अदिश गुणन, दो वेक्टरों का क्या अदिश गुणन, दो वेक्टरों का क्या अदिश गुणन क्या होता है, एक अदिश राशि होता है, गुणन एक अदिश राशि होता है। भैया वीडियो में दिखाई दे रहा है ना, आप कंफ्यूज ना होइएगा यार। अब देखो यहां पर ये, हां दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इन कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, लाइट ज्यादा हो रखी क्या, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि दो दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल, सॉरी ये अदिश नहीं, हाँ अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टरों का क्या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, एक क्या होता है अदिश राशि होता है। याद रखिएगा दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो आप इसको नोट करिए, दो वेक्टरों का अदिश गुणन एक क्या होता है अदिश राशि होता है। कार्य एक क्या है, कार्य एक क्या है अदिश राशि, बेसिक। अब दूसरे एग्जांपल को चलो, तो अभी देखो अब दूसरे एग्जांपल को जब आप चलोगे तो बेसिक ये एग्जांपल याद करिए, अदिश गुणन होता क्यों होता है आपको ये पता चल गया। अब यहां पर देखते हैं, दिल कहता है चल उनसे मिल उठते एक कदम। एग्जांपल अब क्या होता है, ये प्लेट है, प्लेट है बेसिक समझो, ये क्षेत्रफल है, एरिया क्या हुआ डीए, यहां से क्या गई चुंबकीय बल, क्या गए विद्युत बल, क्या गई रेखाएं गई, विद्युत बल रेखाएं गई ना, ये देखिए। अब होता है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जरा बताइए, तो वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से, ई का मतलब क्या होता है वैद्युत, ई का मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक बोले तो वैद्युत, फाई क्या है फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है मतलब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। देखिए यहां पर कि देखिए ये देखो ये कोई क्षेत्रफल है, देखिए ये कोई क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, देखिए ये एक क्षेत्रफल है और इससे जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसे हम क्या बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, आप कभी रटिएगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या गुजर रही है विद्युत बल रेखाएं, कहां से गुजर रही है ए क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल क्या डी ए, तो बराबर किसके होता है ई डी ए कॉस थीटा। तब भी क्या पता चला फाई ई बराबर क्या होता है ई इंटू क्या डी ए। अगर आप पूछे अगर कोई कि वैद्युत फ्लक्स क्या है सदिश राशि एक अदिश राशि, अभी मैंने बोला ना दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट बोलो तो अदिश गुणन, अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट क्या होता है एक अदिश राशि होता है, इसका मतलब फाई ई क्या कहलाएगा एक ये अदिश राशि कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका अदिश राशि कहलाएगा। भैया राजा मुन्ना
समझ में आया? जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे तब तक आप हो जाओगे घन चक्कर। इसलिए बेसिक कंसेप्ट को आप क्या कर लो, समझ जाओ। और देखो ठीक है, अब अगला देखते हैं, उसी तरह से दूसरा देखते हैं शक्ति। क्या होता है भाई शक्ति, पावर। ठीक है, जब हम लोग बचपन में थे शक्तिमान आता था, बैक्टीरिया जोड़ते थे तब जाके शक्तिमान थे। उसमें एक था जैकाल साइंटिस्ट, वो बोलता था पावर, जैकाल साइंटिस्ट, वही हाल है, पावर, वही वाली फीलिंग आ रही है यहां पर। ठीक है, तो शक्ति पावर बराबर क्या होता भाई, पावर बराबर क्या करते हो भाई, पावर बराबर क्या होता, तुम्हारी पावर क्या है, तुम्हारी शक्ति क्या है, जो तुम कार्य करोगे। अगर कम समय में कर दिए तो ज्यादा पावर है तुम्हारे पास, और एक ही चीज को 5 दिन में कर रहे हो, अरे बहुत बड़ा ये अनपढ़ है यार, बहुत बड़ा कमजोर है ये, काम चोर ऐसे बोलोगे आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कार्य बटे क्या समय, कार बटे क्या समय। तो अब इस चीज को देखो, बेसिक कंसेप्ट को समझो। ठीक है, अब शक्ति P बराबर क्या होता है कि W अपॉन क्या टी, ठीक है, या अभी समझ जाओ। ठीक है, कार बर टी के हो गया। अब देखिए दिमाग लगाइए, अब लॉजिक लगाइए, आपसे पूछेगा कार्य शक्ति एक अदिश राशि है, शक्ति एक अदिश राशि एक सदिश राशि, शक्ति पावर। तो अब दिमाग लगाइए, एक फॉर्मूला भी बना रहा हूं मैं। अब पावर P बराबर क्या होगा, कार्य बराबर क्या होता, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, नीचे क्या है T। ठीक है, तो P बराबर क्या हुआ, F इंटू एस अपॉन टी, एफ इंटू एस अपॉन टी। अब देखो मतलब ये क्या है, विस्थापन, विस्थापन ये क्या, नीचे क्या है बोलो, समय। तो विस्थापन बटे समय किसके होता है, वेग के। मैंने बताया ना विस्थापन बटे समय किसको होता है, वेग के। अगला फॉर्मूला पावर का बनके तैयार होने वाला है, इसको हटा लीजिए यहां से। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला बनके तैयार होने वाला पावर का, पी बराबर क्या होगा, ये एफ है, एफ है, ये विस्थापन बटे समय मतलब वेग है, एफ इंटू वी। अब देखिए पावर पी बराबर एफ डॉट वी, अब देखो पावर पी बराबर एफ डॉट वी बराबर किसके होगा, देखिए एफ वी कॉस थीटा के। मैंने तो आपको बेसिक से बता रहा हूं यहां पर, तो आप यहां पर देखिए पावर पी बराबर एफ डॉट वी, इसका मतलब दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल, दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश राशि होता है। क्या होता है, एक अदिश राशि। पावर क्या होगा, एक क्या होगा, अदिश राशि है। अब आता है इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु, जहां से आपका क्वेश्चन आने की संभावना सबसे अधिक रहती है। ठीक है, जहां से आने की, आप जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे अधिक है, अब उसको हम डिस्कशन करेंगे। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आप स्क्रीनशॉट इसका क्या कर लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हम अब आगे चलते हैं, तो आगे का कंसेप्ट देखते हैं, आगे का कंसेप्ट क्या होगा, इस चीज को हम प्रयास करते हैं सीखने का। ठीक है, तो आगे का कंसेप्ट देखने के लिए अब क्या होगा, लक्षण या क्या बोलोगे, गुण या प्रॉपर्टी बोलोगे, या बोलोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या बोलोगे आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दूं, याद रखना इंपॉर्टेंट टेंट पॉइंट। वीडियो को देखना जरूर पूरा, वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो कांड हो जाएगा भाई साहब। अगर आप वीडियो को नहीं देखोगे पूरा तो कांड हो जाएगा, इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला
यह विनिमय विनिमय कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव नियम का पालन करता है। क्या करता है ये? पहला, यह विनिमय मतलब कम्यूटेटिव नियम का पालन करता है। ये तुच्छी चीज है, बहुत ही तुच्छी चीज है। कहने का मतलब ए डॉट बी इज इक्वल क्या, बी डॉट ए, ए डॉट बी इज इक्वल टू किसको कर दोगे आप बोलो, बी डॉट ए, ए डॉट बी बराबर क्या कर दोगे, बी डॉट ए। तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट को समझिए, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए पहला। दूसरा पॉइंट देखिए, ये तो छोटे हैं, अभी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरा, यह वितरण नियम, वितरण नियम अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव नियम का पालन करता है। ये तो गुड तो नॉर्मल है, अभी आगे जो हम अभी प्रॉपर्टी ये पढ़ेंगे इसी वीडियो में जो पढ़ेंगे वो आपके लिए क्या होगा, बेहतरीन होगा। तो इस चीज को आप समझते हुए चलिए कि यह वितरण नियम का क्या करता है, पालन करता है। मतलब ये दुई बार लिख दिए तो घबराना नहीं यार, ये तो नॉर्मल चीज है, ठीक है। यह वितरण नियम का क्या करता है, पालन करता है। वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे प्रसाद को क्या करते हो, बांटते हो, उसको हम क्या बोलते हैं आपका वितरण। जैसे आप प्रसाद को बांटते हो उसको वितरण बोलते हैं, उसी तरह से यहां देखिए, देखिए ए डॉट बी प्लस सी, देखिए ए डॉट, देखिए ए डॉट, ए डॉट बी प्लस सी बराबर क्या होगा बोलो, ए डॉट बी, देखिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं कि यह वितरण के नियम का क्या करता है, पालन करता है, ठीक है। अब याद रखिए, अभी लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा, ठीक है। यह ना कर दे कांड हो जाए आपका फालतू में, जो है ना। तो इस बेसिक कंसेप्ट को आप समझने का क्या करें, प्रयास करें। यह वितरण के नियम का क्या करता है, पालन करता है। मतलब ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू किसके, हमारा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, मतलब इसका इसके साथ इसका साथ। डॉट अलग होता, क्रॉस अलग होता भैया, डॉट अलग होता, क्रॉस अलग होता, डॉट अलग होता, क्रॉस अलग होता, समझ जाना, बाद में कांड हो जाएगा। नहीं तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो ये बेसिक टर्म्स को समझिए, ठीक है। ये बी हो गया, अब देखिए सी पॉइंट देखते चलेंगे। सी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। तो जो सी पॉइंट है उसको समझो, दो समांतर वेक्टरों का अदिश गुणन, अदिश मतलब स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, दो समांतर वेक्टरों का अदिश गुणन, प्रोडक्ट मतलब अदिश क्या, गुणन, अदिश क्या, गुणन, उनके परिमाणों, उनके परिमाणों के गुणन के क्या बराबर होता है, के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब ये बेसिक कंसेप्ट है, इन बेसिक कंसेप्ट को जानो। अब देखो उसने लाइन बोल दी, टैग लाइन है, दो समांतर की बात कर रहा है वो, याद रखिए किसकी बात कर रहा है वो, दो समांतर वेक्टर। मतलब कि देखो ये अंजलि है और ये बबीता है, दो वेक्टर है, याद रखिए, एक अंजलि है, अरे थोड़ा बड़ा बनाए आजकल तुम लोग भी, 24-24 साल के, 25-25 साल के हो गए, ठीक है। ये बी, ठीक है। तो ये देखो ये अंजलि है और ये क्या है, बबीता है, ठीक है। जो आपकी अंजलि है, बबीता है, दोनों समांतर है, समांतर
अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल मेरा भरा नहीं। चलो बाद में भरे होगा दिल, ठीक है, दिल तो बाद में भरता रहेगा, पहले समझो यहां दो वेक्टर है, ए अंजलि ई बबीता, ई अंजलि बबीता दोनों समांतर हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। समांतर में मैंने पिछले भी बताया है, थीटा की वैल्यू पिछली वीडियो में बताया ना, समांतर में क्या होता है बोलो, थीटा की वैल्यू क्या होगा, जीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है मित्र, समांतर है। तो अब देखिए इधर बराबर होता है, देखिए ए डॉट बी बराबर किसको होता है जरा बताना, तो ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल क्या हमारा बोलो, ए बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू द ए बी कॉस थीटा, यदि थीटा बराबर क्या होगा, ये बेसिक कंसेप्ट को समझो। अब थीटा बराबर क्या होगा कि समझो, यहां पर थीटा बराबर क्या होगा, जीरो डिग्री होगा, थीटा बराबर क्या, क्योंकि समांतर अभी बताया तो समांतर जीरो डिग्री होगा, तो यहां पर क्या होगा जरा बताना, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू द ए बी कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, तो इसका मतलब क्या होगा बोलो, ए डॉट बी इज इक्वल क्या हुआ, ए बी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं मित्र, यह इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे आपको पता चलेगा खुद ही कि सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या लिखा, दो वेक्टरों का अदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर है, देखो दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल, दो समांतर, ये क्या है समांतर है ना, अंजलि और बबीता क्या है एक दूसरे के समांतर है, दो समांतर वेक्टरों का क्या अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उनके परिमाणों, ये परिमाण है दूसरा वाला क्या परिमाण, उनके परिमाणों के क्या गुणनफल के क्या बराबर होता है, ये एक टर्म्स मैंने यूज किया है, ठीक है। अब हम डी इंपॉर्टेंट पोर्शन चलेंगे, तो याद रखिए आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, तमाशा देखते हुए चलिए, अब डी पोर्शन देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स में दो लंबवत परपेंडिकुलर, दो लंबवत मतलब दो लंबवत वेक्टरों का अदिश गुणन, दो लंबवत वेक्टरों का अदिश गुणन का मान ये देखिए शून्य होता है। अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद है तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा कंपिटिटिव एग्जाम के लिए, जो आप दे रहे हो टीजीटी पीजीटी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मदद करेगा ये एक ही जगह नहीं करेगा, बहुत जगह चलेगा, नेक्स्ट यूनिटें भी जो आएंगी वहां पर भी इसका काम होगा, चाहे वो सेकंड यूनिट हो न्यूटन फिजिक्स हो मतलब बल कार दूरी विस्थापन गुरुत्वाकर्षण वाला हो, या उसके बाद ऑप्टिक्स हो उष्मा हो, उसके बाद क्या आपका जो है कि इलेक्ट्रिक वाला हो, तो उसमें हर जगह ये कंसेप्ट यूज होना है। याद रखिएगा दो लंबवत वेक्टरों का अदिश गुणन का मान क्या होता है हमारा शून्य होता है। कैसे लंबवत बोला उसने, ये देखिए लंबवत, और जब ये लंबवत बोला है तो आपको इस चीज समझ जानी चाहिए कि लंबवत का मतलब क्या है। अब देखिए यहां ये अंजलि है और इसी के लंबवत ये कौन है बबीता है, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, यह अंजलि, यह अंजलि और ये क्या है बबीता, ठीक है, एक दूसरे के क्या है ये लंबवत है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, जब ये एक दूसरे के लंबवत है तो ये 90 डिग्री है, तो जब ये 90 डिग्री है तो आपको समझ में आ गया होगा ये लंबवत है, शून्य क्यों होता है अब समझिए, ठीक है। अब देखिए ए डॉट बी, ए डॉट बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा के, अब लंबवत है तो थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री, तो क्या होगा देखिए ए डॉट बी बराबर क्या होगा ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू की तो जीरो, और भारत ने जीरो दिया है तो जीरो कर दो, ठीक है, तो ए बी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, तो इसका मतलब क्या होगा बोलो, ए डॉट बी इज इक्वल क्या होगा बोलो ए बी इंटू जीरो,
कौन सा नहीं जीरो। अब जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा जीरो ए डॉट, ए डॉट बी बराबर क्या आएगा जीरो। ठीक है, ये तो लिखा दो लंबवत वेक्टरों का अदिश गुणन, सदिश गुणन नहीं, किसकी बात चल रही है अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की बात, उसका मान क्या होता है शून्य। याद की रहना इस चीज को, जब तक आप इसको याद नहीं किए रहोगे तब तक आपको ये सारी चीजें आएंगी नहीं। ठीक है, तो देखिए यहां पर पूरा आ रहा है नहीं आ रहा, ये आ रहा है नहीं आ रहा लेक्चर में देखते हैं। हाँ आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं ये बेसिक टर्म्स को देखते हुए चलिए। अब ये हो गया हमारे पास, अब और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, ठीक है, अब जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते, अब देखिए इधर तो से रहना जब से मिले तुझसे नैना जब से मिले बन गए सिलसिले। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला है कि एक ऊपर एरो लगाया तो इसको बोलते हैं स्थिर सदिश, एक ऊपर एरो लगा के इसको बोल दिया तो इसको क्या बोलते हैं परिमाण, एक ऊपर अगर कैप लगा दी तो इसको क्या बोलते हैं इकाई सदिश। क्या इकाई सदिश, तो ये कंसेप्ट को आप समझिए। ठीक है, ठीक है, इस ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस यूनिट का, याद रखिए इस यूनिट का नहीं मतलब इन टॉपिकों का, अदिश के गुणनफल का, ये सबसे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अब यहां देखिए इसका इस्तेमाल होना है हर जगह। अब देखिए ये आई है, ये भी क्या आई है, ये क्या है जे, ये क्या है जे, ऐसे करिए आई, ठीक है ये जे, और ये क्या है के, आई डॉट आई, आई डॉट आई दोनों की दिशा क्या सेम है, तो देखिए आई डॉट आई, आई डॉट आई, दूसरा जे डॉट जे, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सबका मान क्या होता है वन होता है, क्या होता है वन। देखिए क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखिए ये वाला आई, ये वाला आई देखिए यहां पर, ये बेसिक टर्म्स को समझिए। ठीक है, यहां देखिए अगर ये देखो ये वाला आई देखिए, ये वाला आई देखो, दोनों एक दूसरे के समांतर है, आई डॉट आई, आई डॉट आई, अब आई डॉट आई दोनों की दिशा सेम है, कॉस थीटा कॉस जीरो, अब मैंने बोला था जब कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, इसलिए देखिए आई डॉट आई दोनों की दिशा देखिए, दोनों की दिशा क्या है सेम है आई डॉट आई, इसलिए उसकी वैल्यू वन। अब देखो जे डॉट जे दोनों की दिशा क्या है सेम है, थीटा की वैल्यू क्या होगा जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो होगा, दोनों की दिशा क्या सेम है, देखो ऊपर की तरफ भले जा रहे हैं लेकिन दोनों की दिशा क्या सेम है, तो जीरो तो मतलब cos 0 की वैल्यू क्या होगा वन, वन आ गया। उसी तरह k का भी मान आ जाएगा, दोनों k की दिशा क्या इस वाले k की, इस वाले k की दिशा सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा दोनों की दिशा सेम है, समांतर हैं दूसरे को, तो इसका मतलब क्या होगा cos 0 की वैल्यू वन हो जाएगी, ये देखिए वन आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा आप, क्यों हुआ आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद हम टर्म्स में बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म्स में बात करते हैं। देखिए इधर आई डॉट जे, देखिए ये आई है ये जे है, 90 डिग्री है ये, हा अरे राम रे राम, बड़ी कमजोरी आ जाती है बेटा एक उम्र के बाद। ठीक है, अब यहां देखो ये एक दूसरे के क्या है, देखो ये एक दूसरे के देखो क्या है, एक दूसरे के क्या है लंबवत है, एक दूसरे के क्या है बेटा ये देखो लंबवत है, तो देखो आई और जे एंगल कितने का बनेगा थीटा 90 का बनेगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है लंबवत है, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो, इसलिए देखिए आई डॉट जे की वैल्यू क्या होगा जीरो, जे डॉट के की वैल्यू क्या होगा जीरो, के डॉट आई की वैल्यू क्या होगा, क्या होगा जीरो। ये बेसिक टर्म्स को समझिए आप, ठीक है, आई डॉट जे बराबर जीरो, जे डॉट के बराबर जीरो, ये 90 डिग्री हो रहा है,
जब आई और जे में 90 डिग्री हो तो कॉस 90 की वैल्यू क्या जीरो, इसीलिए देखो जीरो। लेकिन देखो आई डॉट आई सेम दिशा है तो कॉस जीरो होगा, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन होती है, इसीलिए यहां पर देखिए आई डॉट आई बराबर वन, जे डॉट जे बराबर वन, के डॉट के बराबर वन, आई डॉट जे बराबर जीरो, जे डॉट के बराबर जीरो, के डॉट आई बराबर क्या जीरो। ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को क्या कर लेना आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो बेसिक हुआ, ठीक है। अब यहां देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको यहां से बनाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। अब जैसे मैंने ऐसे बोल दिया a इज इक्वल टू द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, ठीक। अब a इज इक्वल टू देखो जरा तो, ठीक। अब a इज इक्वल टू टर्म्स में देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो a इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 10i प्लस 2j प्लस 3k, b इज इक्वल टू हुआ 5i प्लस 2j प्लस 8k। अगर आपसे अगर उसने पूछा कि a डॉट b बताओ, ठीक। अब याद रखिए अगर a बराबर तुम्हें बोला उसने 10i प्लस 2j प्लस 3k और b बराबर बोला 5i प्लस 2j प्लस 8k तो a डॉट b बराबर किसके होगा, तो देखिए a डॉट b बराबर किसके होगा, तो a की वैल्यू देखिए क्या 10i प्लस 2j प्लस 3k, डॉट b की वैल्यू क्या है देखिए 5i प्लस 2j प्लस 8k, ठीक है। ये आ गई आपके पास, तो अब यहां पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो टर्म समझो। अब देखो मैंने क्या बोला कंसेप्ट देखिए, i डॉट i बराबर 1, j डॉट j बराबर 1, k डॉट k बराबर 1 और i डॉट j बराबर 0, j डॉट k बराबर क्या 0, k डॉट i बराबर क्या हुआ जीरो। तो आपको पता है देखो i डॉट i तो कितना होगा 10 × 5 = 50, i डॉट i क्या 1, देखो i डॉट i क्या आएगा 1, तो 10 आ गया प्लस उसी तरह j है j डॉट j और j डॉट j की वैल्यू क्या होता है देखिए इसका भी 1 होगा, ठीक है। तो 10, अब देखिए इधर देखिए जे डॉट जे, अब जे डॉट जे जो होगा, अब जो जे डॉट जे होगा उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो देखो 2 है इधर 2 है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए देखिए 2 और 2 4, 2 दुना 4 प्लस इधर देखिए इधर देखिए इसका इसके साथ करोगे तो 8 × 3 = 24 इसका मतलब अब अगर आई का जे के साथ करोगे तो जीरो आएगा, आई का के साथ करोगे तो क्या आएगा जीरो आ जाएगा, इसी तरह जे का आई के साथ करोगे तो जीरो, जे का जे के साथ तो वन होता है, जे का के साथ करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ए डॉट बी 10 + 4 + 24 मतलब 24 × 4 = 28, 28 + 10 = 38। ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्या बेटा पता होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप क्या करोगे प्रॉब्लम्स में रहोगे। तो आगे देखिए अगले टर्म्स में जब हम यूज करते हैं उन टर्म्स को आप समझना है, रटना नहीं आपको, जब आपको इसको टर्म्स को समझना है। जैसे देखिए अगर उसने बोला a इज इक्वल टू द 10i प्लस 5j प्लस 3k, अब पूछा उसने a का परिमाण बताइए, ठीक है। अब a का परिमाण बताइए तो ये ऐसे तुच्छे क्वेश्चनों को क्या परिमाण का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले समझो, a का परिमाण चाहिए, a का परिमाण यही होता है ना ऐसे, a का परिमाण बराबर ये देखिए ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। ये 10 है, 10 का स्क्वायर ये 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस ये देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर बराबर 10 × 100 प्लस 25 प्लस 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये बेसिक टर्म्स में आपको बता रहा हूं इस तरह से क्या करते हैं हम इसका परिमाण निकालते हैं,
क्या निकालते हैं, इसका परिमाण निकालते हो। तो इसलिए कोई भी डाउट मत रखना, ये बेसिक कंसेप्ट था, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद एक और लार्ज वीडियो आएगी, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को करने के बाद नेक्स्ट यूनिट पर चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।